नमस्कार, मैनप्री न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। मैनप्री के कुसुमा रोड स्थित एमके कॉलेज में क्रिकेट ऑफ पठान एकेडमी का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारतीय क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान मौजूद रहे। इस एकेडमी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैनप्री के खिलाड़ियों को पहचान दिलाना है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। मैनप्री पहुंचे क्रिकेटर यूसुफ पठान ने मैनप्री के कुसुमा रोड स्थित एमके कॉलेज के क्रिकेट ऑफ पठान का उद्घाटन किया, जहां पठान ने 15वीं क्रिकेट एकेडमी का फीता काटकर उद्घाटन किया और खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया। बाद में क्रिकेटर यूसुफ पठान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मुखातिब हुए। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कहा कि भारतीय टीम में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वापसी की पूरी उम्मीद है। राहुल व पांड्या पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि टीम में जगह बनाने के लिए पैसा व अप्रोच मायने नहीं रखती, कड़ी मेहनत और अच्छे प्रदर्शन से टीम में कोई भी जगह बना सकता है। विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से किसी को खिलाना पसंद करते हुए कप्तान होते हुए इस सवाल पर पठान बोले, पहले से सिलेक्शन कमेटी की राय लेता, फिर उपकप्तान की राय लेता, तभी कोई निर्णय ले सकता था। इस एकेडमी के खुलने से मैनप्री के युवाओं में भारी जोश दिखाई दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। मैनपुरी में आप अपनी एकेडमी का आज इनॉग्रेशन करने आए हैं, मैनपुरी वालों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हेलो जी, मैनपुरी में 15वीं क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करने आए हैं आप, आज मैनपुरी के युवाओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ से भी कोई ऐसी उम्मीद और कुछ ऐसा डिफरेंट आपको लग रहा है कि मैनपुरी से भी आपको अंतर्राष्ट्रीय टीम में जहाँ आप खेल के और एकेडमी की तरफ मुड़ चुके हैं, वहाँ यहाँ से निकल के जाएंगे कुछ लोग, यही मैनपुरी क्यों चुना आपने? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये 15वां सेंटर है, हम लोग का 15वां एकेडमी है और 15 एकेडमी आज स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो 14 एकेडमी हम लोग ने ओपन की है, उसमें से हम 25 बच्चे ऐसे जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रहे हैं। और मैनपुरी ऐसी जगह है जहाँ पे एकेडमीज और क्रिकेट का जो कल्चर है, बहुत क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, पूरे देश में पसंद करते हैं, और यहाँ पे एकेडमीज बहुत कम है। लेकिन हम लोगों ने यही सोचा कि जहाँ पे छोटी जगह है वहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छा खेलते हैं और टैलेंट उनके अंदर होता ही है। छोटी जगह में हमेशा टैलेंट आपको जल्दी से देखने को मिलता है, बड़े शहरों में बहुत बच्चे होते हैं तो आपको टैलेंट काफ़ी मिल जाता है, लेकिन छोटे बच्चे जब छोटी जगह पे आप जाते हो तो वहाँ पे टैलेंट की बहुत कमी नहीं है। यही है कि उन्हें अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, अच्छा गाइडेंस दिया जाए, इसीलिए हम लोगों ने ये भी यहाँ पे भी किया और अजय भाई की मेहनत भी रही इसके पीछे। यहाँ से जरूर अपने स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और देश के लिए बच्चे जरूर खेले। या एकेडमी में जो कोचेस की व्यवस्था की गई है वो पूरा आपकी देखरेख में रहेगा या विद्यालय प्रबंधन की देखरेख? नहीं, वो सारा देखरेख हमारे अंडर में रहेगा और कोचिस को भी कोचिंग दिया जाएगा, किस तरह से कोचिंग करना है, किसे बच्चों के साथ कोचिंग करना है और कौन से बच्चे, वीडियोस वगैरह भी उनके बनाए जाएंगे ताकि उनके ऊपर क्लोजली नजर रखी जाए कि उनको किस चीज में और कौन सी जगह पे उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि उनका क्रिकेट इम्प्रूव। तो सारी चीजें हमारे अंडर में रहेगी कि कोचिंग स्टाफ से लेके उनका प्रोग्रेस तक हम लोग मॉनिटर करेंगे। हार्दिक पांड्या ने टीवी शो के दौरान बातें कही है, क्या लगता है, उनको कहना चाहिए इस तरीके का? यार, मैंने वो शो देखा नहीं है तो उसके ऊपर कमेंट करना, काफी कंट्रोवर्सी हुई है, अभी उसमें उनको निलंबित भी कर दिया गया है। मिस्टर यूसुफ, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, वनडे में फिसल गई, क्या आप समझते हैं टीम का सिलेक्शन सही नहीं हुआ? यार, अभी एक ही मैच हुआ है इंडिया का वनडे का, आप आगे देखिए तो सीरीज पूरी बाकी है। अब कोई भी नतीजे पे ना पहुंचे, अभी कुछ पूरी जो सीरीज अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। धोनी की फिटनेस को लेकर सवाल हो रहे हैं, रोहित शर्मा ने भी कहा है कि वो 4 नंबर पर उतरना चाहिए, आपको क्या लगता है धोनी को पीछे लौट जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? क्रिकेट
अभी आपका जो सवाल है वो समझ में नहीं आ रहा। अभी आप बोल रहे कि उनके फिटनेस के बारे में सवाल हो रहे हैं और अभी आप ये भी पूछ रहे हैं कि उनको चार नंबर पे बैटिंग करना चाहिए, तो आपका सवाल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। रोहित ने कहा है कि उनको चार नंबर पे आना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, टीम मैनेजमेंट जो डिसाइड करते हैं उसके ऊपर है और टीम को जो जो जरूरी है जो टीम के लिए वो चीज करनी चाहिए। आपको क्या लगता है भारतीय टीम में आपकी वापसी होगी? देखिए अभी मैं डोमेस्टिक सीजन बहुत ही अच्छा गया है, डोमेस्टिक काफी अच्छा क्रिकेट खेला हूँ डोमेस्टिक में और अभी मुश्ताक अली भी आ रहा है वनडे जो भी जाए जा रहे हैं किले उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मुश्ताक अली भी आएगा, उसके बाद आईपीएल का टूर्नामेंट है तो मेरा काम है अच्छी क्रिकेट खेलना। बाकी सिलेक्शन की बात है तो वो रिजल्ट के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, बस अपना जो प्रोसेस है उसी पे कॉन्सेंट्रेट है और मेरा ये बिल्कुल बात है कि मैं इंडिया के लिए फिर से। यूसुफ जी, एकेडमी के लिए लोगों ने बड़ा सपने सजोए, अजय जी 3 साल से लगे रहे और आज उनका विजन पूरा हो रहा है, यहाँ के यूथ को प्लेयर्स को किस प्लेटफॉर्म पे जाके मौका मिलेगा, कुछ वो प्रकाश डालिए आप। देखिए अजय भाई ने जिस तरह से मेहनत की 3 साल से, आप सभी लोग बोल रहे 3 साल से उनकी मेहनत है और ये सपना यहाँ पे उनका पूरा होने जा रहा है, ये सपना उनका पूरा होने नहीं जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उनका सपना, क्योंकि अब उनका जो विजन है वो यहाँ से आगे जाएगा कि वैनपुरी के बच्चों के लिए वो कितना सपोर्ट करते और कितना सहयोग उन्हें करते, तो मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए और मैं जरूर जरूर दुआ करूंगा कि इनका जो ये सपना है वो जरूर पूरा हो। यहाँ से काफी एक दो बच्चे नहीं, काफी बच्चे निकले और अपने स्टेट के लिए खेले, अपने देश के लिए खेले और मैनपुरी के सभी लोगों को प्राउड फील। यूसुफ जी, एक सवाल देश के युवाओं के जहन में काफी दिनों से घूम रहा है, जूझ रहे हैं वो इस सवाल को लेके कि दिनेश पंत, नहीं नहीं सर ये बताइए, दिनेश कार्तिक को इतनी सालों से ये लोग खिला रहे हैं और ऋषभ पंत ने अभी काफी अच्छा टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस किया है, तो इस बार जो सीरीज हो रही है ये ऑस्ट्रेलिया से, जो बोर्ड है वो लड़कों के बारे में क्या सोच रहे हो, किस तरह से उन्हें यूज करना चाहते हैं, तो उसके 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 ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस है, न कि मेरा क्या व्यू है उसका क्या व्यू है, उसको बहुत मायने नहीं रखे जाते। आपके हिसाब से पंत अच्छा खेल रहे हैं?